दोस्तों आपका स्वागत है टेकविला यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैनवा ऐप में यूट्यूब वीडियो कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू मेक यूट्यूब वीडियोस इन कैनवा ऐप। तो फुल एडिटिंग देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आपकी होम स्क्रीन में जब आप रहते हैं तो आपको वीडियो वाला ऑप्शन जो है ऊपर उस पर क्लिक कर लेना है। करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे आपको वीडियो के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको पोर्ट्रेट के फॉर्म में भी यहाँ पे मोबाइल वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यूट्यूब वगैरह में जो वीडियो डालते हैं, है ना, या फिर आपको खुद के वीडियो बना के उसको कहीं भी डालना है तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेट्स इसके देखने को नीचे मिल जाएंगे, है ना। जैसे यूट्यूब वीडियो बोला तो देखिए यूट्यूब वीडियो में आपको सी ऑल पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको यूट्यूब में जो अपलोड होते हैं उस साइज़ के आपको वीडियो देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको अलग से कोई इंट्रो बनाने की डालने की जरूरत नहीं। अगर आपको इंट्रो आपके पास नहीं भी है तो यहाँ पे आप कोई भी एक वीडियो पे क्लिक कर दीजिए, है ना, वो आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा डाउनलोड हुआ और डाउनलोड होने के बाद में आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे सिंपली जो हमारा चैनल का लिखा हुआ है वेलकम टू चैनल, तो यहाँ पे आपको अपना चैनल का नाम डाल सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना चैनल का नाम डाल दिया और इसके बाद में जो है नीचे इधर पे लिखा हुआ है टू माय चैनल, तो उस पर भी आप क्लिक करके कोई टैग लाइन आपकी डालना है तो वो आप डाल सकते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया इन्फॉर्मेशन इज एवरीथिंग, ठीक है। ये सब डालने के बाद में आप यहाँ पर प्ले करके देखिए आपका वीडियो, देखिए एक इंट्रो आपका यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हो गया, है ना। आपको अलग से कोई वीडियो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस वाला बटन है, प्लस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जो है ये आपकी क्लिप बन गई 5 सेकंड की। अब ये जो क्लिप बनी है दोस्तों, इसके अंदर में आपको आपका वीडियो डालना है जो आपने छोटे छोटे वीडियो आपके बनाए होंगे यूट्यूब के लिए, है ना। तो क्लिप वाइज में आप बना सकते हैं या एक सिंगल वीडियो आपका जो रॉ डाला हुआ है जो आपने रिकॉर्ड किया है उसको इसमें डालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये आपका एक पेज बन गया, पेज बनने के बाद में इसमें आपको वीडियो डालना है। तो वो वीडियो डालने के लिए आपको यहाँ पर एलिमेंट्स पर क्लिक करिए। एलिमेंट्स पर क्लिक करने के बाद में आपको जो है यहाँ पे आपका, या तो आप यहाँ से ही कुछ वीडियो कंटेंट इनके उठा के डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो कुछ बैकग्राउंड का चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, उनको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे 17 सेकंड का, 10 सेकंड का, 12 सेकंड का, या फिर आपने जो खुद का वीडियो क्रिएट करा हुआ है उसको रखा हुआ है गैलरी में उसको उठा के भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। तो वो वीडियो डालने के लिए दोस्तों नीचे गैलरी वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए। गैलरी वाले ऑप्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ पे जो है आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। यहाँ से आपने जो वीडियो डाला हुआ है उसको यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ऐड टू पेज पर क्लिक कर दीजिए तो आपका वीडियो वो जो है इस तरह से आ जाएगा, है ना। और आने के बाद में जो है आपका वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब आपको इस वीडियो को इस पर फिट करना है तो आपको इसको क्या करना होगा, बिल्कुल बराबर से इसको लगाइए स्क्रीन में और उसको फिट कर दीजिए प्रॉपर तरीके से, या थोड़ा कम ज़्यादा भी करना है तो आप कर सकते हैं। अब आपका वीडियो यहाँ पर स्क्रीन में फिट हो चुका है। अब जैसे ही आप वीडियो प्ले करेंगे, यहाँ से हमने प्ले किया तो हमारा वीडियो चलना शुरू हो गया, जो कि मैंने एक पहले से ही वीडियो इस पर बनाया हुआ था, वही वीडियो मेरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आपको वीडियो देखने को मिल रहा है। अब इसी वीडियो को मान लीजिए मुझे एडिट करना है, है ना। तो मुझे बीच में अगर नीचे आप देखेंगे इस वीडियो क्लिप में, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एडिटिंग का, उस क्लिप को एडिट करने के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझे स्प्लिट करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, है ना, या फिर इसके आगे मैंने जो क्लिप है उसको दूसरी क्लिप को मुझे अलग करना है तो मैंने स्प्लिट करा। स्प्लिट करने के बाद जो क्लिप मेरी हटानी थी उस पर मैंने क्लिक किया, करने के बाद यहाँ डिलीट पर क्लिक कर दिया। अब जो क्लिप मेरी बची हुई है, है ना, उस क्लिप पर मैंने क्लिक किया, उसका यहाँ पर जो है कलर चेंज करना है या प्लेबैक वाला ऑप्शन हमें दिया गया है, है ना, या फिर ऑडियो वाला ऑप्शन है तो ऑडियो पर गए, ऑडियो उसकी कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से ऑडियो हमने हटा दी, ठीक है। इसके बाद में एनिमेशन उस क्लिप का कैसा रखना है, उस क्लिप की जो एंट्रेंस है वो कैसी हो, है ना, तो उनको आप रख सकते हैं, तो ये कर दिया हमने। इसके अलावा यहाँ पे आप और ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि ब्लॉक्स का ऑप्शन है, है ना, प्लेबैक का ऑप्शन है, कलर का ऑप्शन है। तो कलर वाले ऑप्शन में आपको जो है इसके बैकग्राउंड में जो पीछे कलर लगा वो कलर है तो उसको आप यहाँ पर रखिए, और नहीं रखना चाहते हैं तो रहने भी दे सकते हैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये सारा चीज़ें आप दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये तो हमारा हो गया, क्लिप को हमने एडिट कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब फिर से हमारा आगे एक और प्लस का ऑप्शन दिया है, है ना, यहाँ पे नीचे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एलिमेंट है, डिज़ाइन है और ऑप्शन दिए हुए हैं। तो प्लस वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक क्लिप हमारी और ऐड हो जाएगी। तो ऐड होने के बाद में आप इस क्लिप में अब आपको दूसरा वीडियो डालना है तो आपको इस क्लिप के अंदर में फिर से जाना है, बैक करना है, करने के बाद नीचे गैलरी का ऑप्शन आएगा, फिर गैलरी पर क्लिक करना है और दूसरा वीडियो या फोटो जो भी आपको वहाँ पर डालना है उनको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्या क्या डाल लेना है उस पर सेलेक्ट कर लो और ऐड टू पेज पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे हमारी 3-4 चीज़ें हमने ऐड करी तो वो हमारी यहाँ पे सब लाइन से आ गई, तो उनको आप अलग अलग यहाँ से उठा के रख दीजिए, है ना, तो वो अलग अलग लेयर के फॉर्म में हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब एक एक जो फोटो हमारी यहाँ आ रही है इसमें आप एनिमेशन डाल सकते हैं, है ना। जैसे कि एक क्लिप मैंने सेलेक्ट की, नीचे आपने गए और नीचे जाके एनिमेशन पर क्लिक किया और एक एनिमेशन डाल दिया कि ये इस तरह से क्लिप आएगी, दूसरी पर क्लिक किया वो इस तरह से आएगी, तीसरी पर क्लिक किया वो किस तरह से एंटर होगी, इस तरह से होगी, चौथी पर क्लिक किया, है ना, उसमें भी आप एक क्लिप को आपने डाल दिया इस तरह से होगी। अब देखिए हम जब प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग क्लिप हमारी जो है इस तरह से एंट्रेंस हुई है। इसके बाद इस क्लिप के बीच में अगर आपको कुछ ऐड करना है क्लिप के अंदर में, है ना, तो यहीं पे आपको टेक्स्ट वगैरह आप डाल सकते हैं,
तो टेक्स्ट पर आपने क्लिक किया, टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे कुछ दिए हैं कि इस तरह का आपका प्री फॉर्मेट टेक्स्ट डालना है, तो यहाँ पे हमने इस पर एक सिंगल किसी भी चीज़ पे क्लिक कर दिया। करने के बाद उस पर फिर से क्लिक किया और यहाँ से हमने उसको हटा के जो भी लिखना है वो लिख दिया है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया व्हाट्सएप माय व्हाट्सएप, ठीक है, इस तरह से करके मैंने ऐड कर दिया। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको भी आप इसमें भी एनिमेशन डाल सकते हैं, तो नीचे जैसे उस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन आता है ना इफ़ेक्ट का, स्पेस का, तो उसको आप यहाँ पे इफ़ेक्ट वगैरह इसका डाल सकते हैं कि कैसे इफ़ेक्ट में आपको जो है टेक्स्ट चाहिए है। तो यहाँ पे पहले से हमारा टेक्स्ट बना हुआ है ना, तो आप उसको इफ़ेक्ट वगैरह भी उसका चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। कलर वगैरह चेंज करना हो टेक्स्ट का तो नीचे कलर का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, उससे जाके आप कलर वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हैं। दोस्तों सब कुछ करने के बाद में आपने कलर ऐड कर दिया, वो ऐड कर दिया है ना, सब कुछ कर दिया, अब यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको आपने जो है आगे भी क्लिप ऐड कर दी हैं, पीछे भी आपकी क्लिप वगैरह चल रही हैं और जो एडिटिंग उसमें आपको करनी थी वो आपने कर ली है। मान लीजिए वीडियो की स्पीड वगैरह आपको चेंज करनी है तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे फाइल पे, नीचे प्लेबैक वाला ऑप्शन है तो इसमें आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं कि अगर मुझे वीडियो की स्पीड बहुत स्लो वीडियो जा रहा है तो आप उसको फास्ट कर लीजिए है ना, तो इस तरह से करके आप फास्ट कर लीजिए अपनी वीडियो को तो आपका वीडियो जो है फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा और ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जिनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। अगर फाइल को डुप्लीकेट करना है तो उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, डबल फाइल कर सकते हैं है ना, जैसे कि मान लीजिए हमारी एक ये फाइल है, इसी फाइल को मैं चाहता हूँ कि डुप्लीकेट कर लूँ तो मैं उसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं वही सेम फाइल हमारी आगे भी रिपीट हो गई है, सेम वीडियो क्लिप हमारी आगे भी रिपीट हो चुकी है। दोस्तों ये सब करिए दोस्तों, करने के बाद में आप नीचे यहाँ पे जो जो ऑप्शन है उनको के करके ट्राई कर सकते हैं। क्लिप पर क्लिक करते ही साथ हमें ऑडियो का ऑप्शन भी आता है जिसमें आप यहाँ पर ऑडियो उसका कम ज़्यादा बंद कर सकते हैं। दोस्तों अब जैसे दोस्तों आपका जो आगे का पार्ट कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे आप प्लस करके एक और लास्ट में आउटरो बना सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और करने के बाद में क्लिप पे हमने क्लिक कर दिया, करने के बाद में यहाँ पे क्लिप के डिज़ाइन में हम गए और डिज़ाइन में जाने के बाद में फिर से हमने जिस तरह से अपने एक वीडियो अभी डाला हुआ था उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आप इससे अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस क्लिप को हटा दें और हटाने के बाद में जो हमारी आगे क्लिप डली थी इसी को हम डुप्लीकेट कर दें और करने के बाद में इसको हम पकड़ के सबसे लास्ट में ले जाएँ, ड्रैग ड्रॉप कर दें। ओके ये नहीं गई, अब जाएगी है ना, ये हमारी यहाँ चली गई और जाने के बाद में इसकी जो लास्ट क्लिप हमने इसको बीच में डाल दिया, इसके बाद में उसी क्लिप को आपको क्लिक करना है, करने के बाद में यहाँ पे जो टैक्स डाला हुआ है और उस पर आपको जो है चेंज कर देना है जिसको आप आउटरो बना सकते हैं, लिख सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग है ना, तो इस तरह से आप जो है इसको लिख के चेंज भी कर सकते हैं, तो ये चेंज करके आप जो है इससे लिख के और इसको आउटरो बना सकते हैं और आउटो बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे कि आपका इंट्रो चला था। और इसके नीचे अगर आपको कोई म्यूज़िक वगैरह ऐड करनी है तो आपको उसके लिए बता ही चुका हूँ कि आपको जाके अपलोड में जाना है, अपलोड में जाने के बाद में यहाँ पे ऑडियो पे जाना है और अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है, करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑडियो फाइल अपनी मोबाइल से सेलेक्ट कर लेनी है या फिर आपको ऑनलाइन भी यहाँ पे जो है ऑडियो फाइल मिल जाती है एलिमेंट्स के अंदर में, तो एलिमेंट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है आप कोई सर्च करना चाहते हैं तो आप उसको सर्च कर लीजिए और यहाँ पे आपको कुछ ऑडियो फाइल डली हुई हैं, हालांकि जो ऑडियो फाइल यहाँ पर डली हुई हैं वो आपको ज़्यादातर फाइल जो हैं देखने को मिलेंगी जिसमें आपको जो है प्रीमियम वर्जन में, तो अच्छा होगा कि आप अपनी म्यूज़िक खुद से डाउनलोड करके रख लीजिए गैलरी में और करने के बाद में यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद ऑडियो पे जाइए और अपलोड फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करिए, करने के बाद में यहाँ से अपनी कोई भी म्यूज़िक को उठा लीजिए और जो कि जहाँ के आपकी जो है अपलोड हो जाएगी, तो यहाँ से हम कोई भी क्लिप को उठा के अपलोड पे क्लिक कर देते हैं, जैसे हमने क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई, अपलोड होने के बाद में जो है उसको आपने वहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो हमारी म्यूज़िक यहाँ पे ऐड हो गई है और बस हमें वो उसको वहाँ पे उठा के लगा देना है जहाँ पे हमें उसको यूज़ करना है और उसको फिर उसमें अगर आप एडिटिंग वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको जाके आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, हालांकि बहुत छोटी फाइल है आपको बड़ी फाइल अपलोड करनी है और उसको फिर वहाँ से एडिट कर लीजिए जहाँ तक आपको लगानी वहाँ तक उसको लग रहने दीजिए। सब कुछ करने के बाद में दोस्तों आपका इंट्रो हो गया, बीच का वीडियो हो गया, ऑडियो की आपने आवाज़ चेंज कर ली, बीच में कुछ एलिमेंट डालना है और जैसे इस क्लिप में आपको कुछ ऐड करना है तो आप इसके बीच में जो है ऐड कर सकते हैं जहाँ पे आपको जाके एलिमेंट्स वगैरह में जाना है, इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं छोटी छोटी, जैसे कुछ स्टिकर्स आपको अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं, एक स्टिकर को आप क्लिक करके छोटे छोटे स्टिकर आप लगा सकते हैं, कुछ रिएक्शन वगैरह आप देना चाहते हैं तो उन स्टिकर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बीच में है ना, जैसे कि स्टिकर हमारा एक क्लिप में पूरा चल रहा है तो ये हमारा स्टिकर है, इसके बाद में यहाँ स्टिकर में लगने के बाद में और कुछ स्टिकर ऐड करने हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स में जाके, और यहाँ पे आपको इसके अलावा कुछ चार्ट के ऑप्शन दिए हैं, कुछ फ्रेम के ऑप्शन दिए हैं,
जैसे आपको कुछ दो तीन फ्रेम में कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है ना। अलग अलग फ्रेम दिए हैं जिसके अंदर में कोई फाइल वगैरह आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। टेबल दी हुई है, टेबल वगैरह आप इसके अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। शेप साइज़ दिए हुए हैं डायरेक्शन वाले, उन सबको डाल सकते हैं। फ़ोटो वगैरह ऐड करनी है तो वो फ़ोटो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और कुछ आपको ग्राफिक्स दिए हैं जिनको आप इनको भी ग्राफिक्स को इस तरह से वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं और जहाँ ऐड करना चाहें उसको ऐड करके छोड़ दीजिए। तो आपके थ्रू आउट वीडियो में जो क्लिप है उसी के अंदर में बस वो वीडियो के रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है दोस्तों। और करने के बाद में फिर जो है आपको इसको जो है दोस्तों, एक चीज़ और जो यहाँ पे मिसिंग होती है दोस्तों वो होती है कि आप यहाँ पे बीच में कोई अगर वॉइस ओवर डालना चाहते हैं, जैसे कि बीच में आपने कोई आवाज़ आपकी कट गई होगी तो वो वॉइस ओवर यहाँ पे उसका ऑप्शन आपको नहीं देते हैं। उसके लिए आपको जो है उसी फाइल को दोबारा से रिकॉर्ड करके और उसको फिर यहाँ पे बीच में इसको बीच से स्प्लिट करके और उसके बीच में आपको जो है ऐड पेज पर क्लिक करके आपको जो है उस क्लिप को ऐड करनी पड़ेगा। तो ऐसे आपको जो है उसके अंदर में क्लिप ऐड करनी पड़ेगी, वॉइस ओवर का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है। सब कुछ हो जाए दोस्तों उसके बाद में ऊपर आपको यहाँ अपलोड वाला बटन दिया है जिस पर जाकर डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। क्वालिटी वगैरह आप इधर चेक कर लीजिए और इसके बाद में डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि MP4 वीडियो के फॉर्मेट में है, इसमें आपको अलग अलग फॉर्मेट में भी बना सकते हैं आप, तो देख लीजिए कौन सा फॉर्मेट आपके लिए सही है और करने के बाद में डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है और वीडियो आपका डाउनलोड हो जाएगा गैलरी के अंदर में। और यहाँ पर किसी प्रकार का आपको उसमें वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है दोस्तों हमारा वीडियो एडिटिंग कैसे करना है कैनवा ऐप में। अभी पोर्ट्रेट मोड से मैं लैंडस्केप मोड में मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरह की जानकारी वाली वीडियोस के लिए दोस्तों बनी रही टेक वाले यूट्यूब चैनल में।